जिला कलेक्ट्रेट में आज कलेक्टर को अमोल पठा के रहने वाले युवक ने आवेदन सौंपा है। युवक ने बताया कि उसके गांव में ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही बिजली की लाइन डाली गई है और ना ही ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसके बावजूद भी उसके पिता के नाम पर लाखों रुपए का बिल आ गया है, साथ ही राशि जमा करने का नोटिस भी उसे भेज दिया गया है। देवीलाल ने बताया कि उसके पिता जग्गू राम पुत्र रमुआ जाटव की मृत्यु हो चुकी है और मौके पर अमोल बाठा में विगत लगभग 20 से 22 वर्षों से ना तो विद्युत व्यवस्था है और ना ही कोई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जबकि विद्युत मंडल करेरा के द्वारा मनमाने ढंग से बिना लाइट के बिल दिया जा रहा है, जिसकी राशि 1,98,553 रुपए जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसी के चलते देवीलाल ने कलेक्टर से नोटिस निरस्त करने एवं बिल को निरस्त करने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? अमोल से। क्या समस्या लेके आए हो? बिजली के बारे में। क्या है? 20 साल से ट्रांसफर नहीं है, ठीक है, और लाइट भी नहीं है हमारे पास, जलने के लिए भी नहीं है, और ये बिल आ रहा है। पिताजी 16 साल है, पिताजी हो गए गुजरे, और डीजल पंप से खेती कर रहे थे। बिल किसके नाम से आ रहा है? पिताजी के नाम से आया है, हमारे भैया का नाम, जी बड़े हैं, इनका नाम चढ़ गया है। अच्छा, तो बिना बिल का तुमने उपयोग, बिना बिजली का उपयोग किए भी बिल आ रहा है? हाँ, बिना। कितना आ रहा है लगभग? 2 लाख। कब से आ रहा है? 1,98,000 हो चुका है। कब से आ रहा है ये? दो साल हो चले। 2 साल हो चुके। तो आपने उससे पहले भी? शुरू से ही आ रहा है, मतलब जो हमारे पास तो अब है। मीटर लगा हुआ है आपके? मीटर यहाँ लगा था, मतलब पुराना कनेक्शन था पुराने पिताजी के हाथ का, हमारे लिए पता नहीं है। और जो पिताजी गुजर चुके, वो मतलब जी, मतलब हम तो डीजल पंप से खेती कर रहे हैं, हमारे लिए जो पता नहीं है ट्रांसफर कर कौन उठा ना हमको कोई बिल। तो आपने इससे पहले भी आपने शिकायत की? नहीं, शिकायत हाँ की थी, जिसमें अभी आया हमारे खरेरा लगाई थी, खरेरा घाट पे। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या आश्वासन मिला आपको? हाँ, आज की वो प्राप्ति मिल गई सर। साहब ने क्या बोला आपको? साहब बैठे, आपको पता चल जाएगा।